मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10% आरक्षण, सरकारी नौकरी में भी प्राथमिकता। जबलपुर में युवक कांग्रेस ने किया पीएम का पुतला दहन। पुतला छीनने को लेकर युवक कांग्रेस और पुलिस के बीच हुई झड़प, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। जबलपुर में भाजपा पार्षद प्रत्याशियों की सूची में लापरवाही। भाजपा ने एक वार्ड में किया फेरबदल। महापौर टिकट के दावेदार कमलेश अग्रवाल को पार्षद का चुनाव लड़ाने का फैसला। भेड़ाघाट में बहे शिक्षक और छात्र का मिला शव। सेल्फी लेते समय बैलेंस बिगड़ने से हुआ था हादसा। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और कोरिया के केलहारी पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर से पुड़िया बनाकर गांजा बेचता था आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते खबरों की तरफ। सरकार ने अग्निपथ को लेकर बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 साल की छूट दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता भी दी जाएगी। ये युवा आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे। और जिस तरह से सरकार के अग्निपथ पर फैसले की हम बात कर रहे हैं और एक बड़ा फैसला, रक्षा मंत्री की हम बात करें, राजनाथ सिंह ने ये बात कही है कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। और उन युवाओं को जो विद्रोह कर रहे हैं, जिन्हें शायद ये योजना सरकार की ठीक तरह से समझ नहीं आई, उन्हें समझाते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकारी नौकरियों में उन युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी वे आजीवन अग्निवीर ही कहलाएंगे। खबर जबलपुर से, जहां दिल्ली में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के ऊपर बलपूर्वक प्रहार किए जाने और युवा कांग्रेस कार्यालय को पुलिस के द्वारा सील कर दिए जाने को लेकर जबलपुर के रसल चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करना चाहा। सेना में युवाओं को ठेके पर रोजगार देने वाली अग्निपथ योजना को लेकर भी युवाओं में आक्रोश दिखा। युवक कांग्रेस और पुलिस के बीच पुतला छीनने पर झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा रहा है एवं यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर जिस तरह से बल प्रयोग किया गया, उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने आज जबलपुर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करा एवं यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें पार्षद उम्मीदवारों की सूची में बड़ा फेरबदल कर दिया गया। वार्ड नंबर 35 अग्रसेन वार्ड में महापौर टिकट के दावेदार कमलेश अग्रवाल को समर्थ तिवारी की जगह उम्मीदवार घोषित किया गया है। बता दें, पहले घोषित सूची में समर्थ तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही इस सूची में बड़ा फेरबदल कर दिया। गौरतलब है कि कमलेश अग्रवाल भाजपा में महापौर टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह डॉक्टर जितेंद्र जामदार को अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया और कमलेश अग्रवाल को अब पार्षद का चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। जबलपुर के भेड़ाघाट में सेल्फी लेते समय बैलेंस बिगड़ने से 3 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें शिक्षक और छात्र लापता थे। उनका शव मिल चुका है। बता दें, पैरामेडिकल के साथ छात्र छात्राओं के साथ ही एक शिक्षक भेड़ाघाट घूमने गए हुए थे। कुछ घंटों के बाद छात्रा खुशबू का शव पुलिस ने बरामद कर लिया था, लेकिन शिक्षक और कुछ लापता छात्र थे जिनका शव 48 घंटे बाद पंचवटी के पास मिला। शिक्षक का नाम राकेश आर्य और छात्र का नाम राम साहू बताया गया है। तिलवारा पुलिस ने शव का पंचनामा बना लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद ही शव को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। नशे की जद में आकर युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। इस तबाही को रोकने के लिए अब केलहारी पुलिस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में नशे का कारोबार कर रहे एक व्यक्ति को उसके घर से पुड़िया बनाकर गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी बिरौरी डांड का रहने वाला बताया है, जिसके पास से 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
एक व्यक्ति है तेज बली खगड़िया, वो गांजे रखकर बेचने का कार्य करता है। तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया, उसके बाद वहाँ उनके घर में रेड कार्रवाई किया गया है। उनके घर से आधा किलो गांजा बरामद किया गया है, लगभग 3500 रुपए का है और NDPS के तहत 20B के तहत कार्रवाई की जाए। जबलपुर में भाजपा के पार्षदों की सूची जारी करने के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस ने भी पार्षदों की सूची जारी कर दी है। जबलपुर में कांग्रेस ने इस बार युवा चेहरों को मौका दिया। पार्षदों की सूची जारी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सांसद नेता विवेक तनखा ने उम्मीदवारों से जीत का आह्वान किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें आला अधिकारियों के साथ स्थानीय BRC प्रांगण से इस रैली को निकाला गया, जिसमें खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा सेगांव विकास खंड में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए मतदाता जागरूकता दौड़ 2022 का आयोजन किया गया। सबसे पहले BO संदीप कापड़नीस ने मतदान को लेकर शपथ दिलाई और दौड़ में वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, जैसे नारे भी सुनाई दिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज निर्वाचन 2022 जो सेगांव विकास खंड के 25 जून को वोटिंग होना है मतदाताओं के द्वारा, उनको जागरूक करने के लिए आज ये मैराथन दौड़ और प्रचार प्रसार खेल एवं युवा कल्याण विभाग से यहाँ संपन्न हो रहा है। और अब बात बिरसिंहपुर की, जहां 4 घंटे में भाजपा के प्रत्याशी के बदल जाने की खबर आई। जी हां, बिरसिंहपुर में भाजपा में कलह शुरू हो गई है, प्रत्याशियों में आक्रोश नगर में चर्चा का विषय बना रहा। 4 घंटे में टिकट कटने का विषय सामने आया है। खबर है कि अब दोनों महिला प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। दरअसल भाजपा अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही, जिसके चलते महिला प्रत्याशियों ने फैसला लिया। जिस तरह से बिरसिंहपुर में ये बात नजर आई कि कुछ महिला प्रत्याशी जिनमें जिनके नामों को लेकर असमंजस की स्थिति थी और इसे लेकर भाजपा में कलह की बात भी नजर आई। 4 घंटे ये जद्दोजहद चली, लेकिन टिकट कटने का विषय छाया रहा। अब खबर ये मिली है कि दोनों ही महिला प्रत्याशी जिनके नामों को लेकर असमंजस था, वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। वार्ड 3 और वार्ड 7 का ये मामला बताया गया है, जहां से महिला प्रत्याशी का नाम सामने आया, लेकिन दोनों नामों पर कुछ सवाल खड़े हो रहे थे पार्टी की तरफ से। भाजपा तय नहीं कर पा रही थी, जिसको लेकर शायद नाराजगी रही है और इसीलिए महिला प्रत्याशियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ना स्वीकार किया। सुनील तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, और उनसे हम बात करेंगे बिरसिंहपुर से सीधे। सुनील, पहले तो इन दोनों महिलाओं के नाम मैं जानना चाहूंगी जो प्रत्याशी हैं, और क्या ये तय हो चुका है कि अब वो निर्दलीय चुनाव ही लड़ेंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वार्ड 3 से समय रानी गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी कल सुबह घोषणा करती है, प्रत्याशी बना देती है। वहीं वार्ड नंबर 7 से रेखा मिश्रा, जो पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं, उनको जो है तो प्रत्याशी घोषित करती है भारतीय जनता पार्टी सुबह, उनको बधाई मिलना शुरू हो जाती है और 4 घंटे बाद ही जो है उनकी टिकट कट जाती है। और आपको बता दूं कि समय रानी गुप्ता की जगह बाद में सीता देवी चौरसिया को टिकट मिल जाती है वार्ड 3 से, और रेखा मिश्रा की जगह रेखा द्विवेदी को कर दिया जाता है। मतलब फर्स्ट नेम कहा जाए कि रेखा तो रहेंगी, लेकिन सरनेम बदल गया, इसलिए प्रत्याशी भी बदल गई, तो ये सोच समझ के लिया गया फैसला ही होगा पार्टी का? निश्चित तौर पे यही बड़ी बड़ा विषय है। हाँ। और लगातार पूरे नगर में कल चर्चा का विषय रहा, पूरे पार्टी आलाकमान से भी लोग बात करने का प्रयास किए। ये जो लोग हैं, ये जो प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी लगातार उनसे बातचीत करने का प्रयास करती रही, पर उन्होंने ये कहा कि किसी से बात नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा। तो नगर में ये चर्चा का विषय रहा कि आखिर कांग्रेस से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रत्याशियों की इस बार घोषणा कर दी थी नगर परिषद में,
और लगातार भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि जिस तरह से काम कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई कलह नहीं है, इसमें कोई अंतर कलह नहीं है कांग्रेस में, चूंकि अंतर कलह जो कांग्रेस की है वो खुल के आती रही है लेकिन भाजपा की नहीं आ रही थी। तो कल इनकी पोल खुल गई मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की, और ये समझ में आ गया और लगातार ये चर्चा का विषय था पूरे नगर में कि आखिर ऐसी कौन सी विशेषता थी इन पर कि जो पहले इनको टिकट मिल जाती है, टिकट प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं, और फिर चार घंटे में ऐसी कौन सी विशेषता इनकी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे इनकी टिकट कट जाती है। तो पूरे नगर में ये चर्चा का विषय रहा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जुड़ने के लिए। और जिस तरह से संवाददाता बता रहे थे, सुनील का ये कहना है समय रानी गुप्ता का जो टिकट कटा उसमें हमारे व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश प्राप्त है, और व्यापारी संघवीर सिंह को वार्ड नंबर जो है तो 8, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 से जल्द ही, और कल का केवल शेष समय बाकी है, जल्द ही अपने निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारेगा, क्योंकि ये चारों वार्ड व्यापारी बहुल वार्ड है और व्यापारियों का इसमें काफ़ी दखल रहता है, इसलिए व्यापारी संघ जो है जल्द ही आक्रोश के रूप में वार्ड नंबर 3 से, वार्ड नंबर 8 से, वार्ड नंबर 4 से अपने निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की मुद्रा में है। मुझे मालूम हुआ कि वार्ड नंबर 3 पर जगदीश की पत्नी को टिकट दिया गया, लेकिन अभी मैं जब बाजार की तरफ आया तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उसकी टिकट काट दी गई है। ऐसा पार्टी ने ऐसा क्यों निर्णय लिया, किन कारणों से उनको टिकट दी गई और किन कारणों से काटी गई, मेरा कहना। मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 20 साल से काम कर रही हूं और पदाधिकारी भी रही हूं, और पिछले पंचवर्षीय में वार्ड नंबर 6 से पार्षद चुनी गई थी। इस बार मुझे वार्ड नंबर 6 सामान्य महिला थी, तो 7 मुझे 7 से टिकट मिली। सुबह सुबह मेरे वार्ड साहब में आया और 5-6 घंटे बाद मेरी टिकट बदल दी गई। मैं वार्ड नंबर 3 से मतलब चुनाव लड़ रही थी, मुझे वोट से वो भी मिल गया था, और इसके बाद 4-5 घंटे बाद पता नहीं क्या हुआ तो मतलब कैंसिल कर दिया गया। अब मैं निर्दलीय से लड़ूंगी। परिवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार हो रही पूछताछ के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राहुल गांधी पर द्वेषपूर्वक कार्रवाई कर रही है। अब छत्तीसगढ़ के जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से खबर, जहां कोलबिर्रा से बघर्रा पहुंच मार्ग पर सेतु निर्माण का कार्य चल रहा है। कार्य आदेश की तिथि 15 जून है और करीब 408 लाख रुपए के खर्चे से ये निर्माण कार्य चल रहा है। एमडी अख्तर अंबिकापुर के साथ 15 महीने के अनुबंध पर काम चल रहा है, लेकिन कामगारों की स्थिति देखने के बाद मजदूरों के शोषण के हालात नजर आए। दरअसल जब मजदूर महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार उन्हें 170 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देता है, जो कि शासन के नियमों के सीधे सीधे खिलाफ है। श्रम अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने श्रमिक की मजदूरी 310 रुपए प्रतिदिन बताया, यानी कहीं ना कहीं श्रम अधिकारी झूठ बोल रहा है। नहीं, मजदूरी कितनी मिल रही है, कितने रुपए मिल रहे हैं? 170 रुपए। क्या बन रहा है यहाँ? पुल बन रहा है। यहाँ मेट कौन है, मुंशी कौन है? आपको भी 170 मिल रही है? हाँ। और आप लोगों को, सभी को 170। ये बात अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत जो है जो न्यूनतम मजदूरी है वो मजदूरों का प्राप्त होना चाहिए। इस संबंध में सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी से संपर्क करके मामले को अवगत कराया जाएगा, साथ ही आगे की कार्यवाही इसमें की जाएगी। सर, कितना गंभीर मानते हैं आप कि मजदूरों के साथ इस तरह का छलावा हो रहा है? गंभीर विषय है, इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन।
और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता तनवीर आलम, उनसे हम चर्चा करेंगे। तनवीर, जिस तरह से अगर श्रम अधिकारी की बात को देखा जाए, कार्रवाई की बात कर रहा है, इस कार्रवाई की बात की जा रही है, इसका मतलब सीधे सीधे श्रम अधिकारी को सारी बातों की जानकारी थी, तब तो कार्रवाई की बात की जा रही है, तो आखिर ये कब से चल रहा था? एक साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो क्या एक साल तक कार्रवाई में आधा साल तो यूं ही बीत जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब खबर भारत की टीम इस सेतु निर्माण के कार्य को देखने के लिए पहुंची तो वहाँ पे हमें मजदूरी करते मजदूर मिले। जब हमने मजदूरों से सबसे पहले तो उनकी मजदूरी की बात जाननी चाहिए तो वहाँ पे हमने कुछ महिलाओं मजदूर से बात की तो महिलाओं ने जो हमें बताया तो हम सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि महिलाओं ने हमें 170 रुपये रोजी मिलना बताया। तो हमने सोचा कुछ महिलाओं को मिला, हमने कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो सभी ने लगभग 170 रोजी मिलने की बात कही। तो फिर हमने उस कार्य के जो मेट होते हैं, जो मुंशी होते हैं, जो कार्य को देख रहे थे, तो हमने उस मुंशी से बात करना चाहा कि भाई महिलाओं को मजदूरों को ये जो मजदूरी की जो राशि है कितनी दी जा रही है। तो मेट ने तो हमारे ऑन कैमरे में बात करने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरे में उसने बताया कि हम 180 रुपये के लगभग इन्हें मजदूरी दे रहे हैं। जब इसकी पूरी जानकारी के बाद हमने ठेकेदार से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ठेकेदार से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर हम इसकी शिकायत लेकर श्रम विभाग मजदूर के पास, श्रम विभाग अधिकारी के पास गए तो श्रम विभाग अधिकारी ने बताया कि मतलब हमें इसकी जानकारी नहीं थी और आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली, निश्चित तौर पर अगर ऐसा हो रहा है तो हम इससे बिल्कुल उचित कार्रवाई करेंगे, मजदूर अधिनियम के तहत जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। क्योंकि देवेंद्र कुमार, तनवीर, देवेंद्र कुमार देवांगन की क्या भूमिका है इसमें? क्या देवेंद्र झूठ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, जब हम वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम देवेंद्र कुमार देवांगन से इस मसले पर बात करने गए कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिले तो उन्होंने साफ तौर पे हमारे कैमरे में ये कह दिया कि इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी और आपके माध्यम से ये जानकारी मुझे मिल रही है तो मजदूरी अधिनियम के तहत से मैं इस पर उचित कार्रवाई करूंगा। और जो मजदूरी अधिनियम में जो मजदूरों की मजदूरी है 310 रुपए, जी बिल्कुल, एक साल के लिए यह अनुबंध किया गया है जी, और एक साल में ये समस्या कब से बनी हुई है, कब से ये अनुबंध किया गया है? मई से जी, हमने तारीख भी बताई दर्शकों ने, जून से, 15 जून का ये आदेश की तिथि थी जी। जी 15 जून 2021 को ये अनुबंध किया गया था कि एक साल में इसको कार्य को पूरा करना है, क्योंकि एक साल लगभग पूरे होने को है और शीत ऋतु आने वाली है तो इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों को काफी दिक्कत होने वाली, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जो अनुबंध हुआ था, यानी अनुबंध के हिसाब से एक साल में काम का पूरा किया जाना था लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं काम अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं मजदूरों के साथ लगातार उनका शोषण किया ही जा रहा है, 140 रुपए कम मिल रहे हैं और अब आप सोचिए कितने मजदूर काम कर रहे होंगे, एक मजदूर से अगर विभाग 140 रुपए बचा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे इसमें देवेंद्र देवांगन, आपको बता दे तनवीर, हमने बात करने की कोशिश की, उनसे संपर्क भी किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया जी। क्या एक साल में, जून से लेकर, जून 21 से लेकर और जून 22 चल रहा है, इस एक साल में इस मुद्दे को इसके पहले उठाया गया, क्या देवांगन तक ये बात पहुंची? जी बिल्कुल, देवांगन जी के पास जब हम लेके गए और इस सवाल को भी रखा कि एक साल का जब अनुबंध था और एक साल होने पर भी कार्य पूरा नहीं हुआ तो वो बात को इधर उधर घुमाते हुए एक ही अल्फाजों में बात को अपनी खत्म कर दिए कि हम जो अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ पे अगर मैंने मेट से इस बारे में बात की तो मेट का कहना था कि 180 रुपए, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पॉइंट ये जो निकल के आ रहा है, जो मजदूरी जो है जो कम दी जा रही है 170 रुपए, तो इसकी वजह से भी उनके पास मजदूर नहीं आ रहे होंगे जिसकी वजह से काम में विलम्ब हो रहा है। अभी वर्तमान में कितने लोग काम कर रहे हैं? जी वर्तमान में लगभग 15 से 20 लोग वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। चलिए, अगर देवेंद्र देवांगन, क्योंकि हमने संपर्क करने की कोशिश की उन्होंने नहीं उठाया, उन्होंने कार्रवाई की बात कही है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो इस खबर पर फॉलो अप तनवीर आप देंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर। और अब बात करते हैं करेली की, जहां NH-26 सिफानी ढाबे के आगे वारामान रोड है और उस रोड पर नशे की हालत में एक व्यक्ति मिला जिसका पूरा शरीर जकड़ा हुआ था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार युवक बरमान के आगे वितली गांव का रहने वाला बताया गया है, जो कि नरसिंहपुर किसी काम से आया था।
एसीबी यूनिट जगदलपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पारितोषिक की मांग करने वाले ईई, एसडीओ और सब इंजीनियर जल संसाधन विभाग कोंडा गांव को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। प्रार्थी ने एसीबी जगदलपुर में शिकायत की थी कि उसने जल संसाधन विभाग कोंडा गांव से निविदा के आधार पर करीब 1.1 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य प्राप्त किया था। निर्माण कार्यों का बिल निकालने के लिए इन अधिकारियों ने 24 लाख रुपए की मांग की थी। आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिन्हें जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के बरवानी तिराहे पर इंग्लिश मीडियम विद्यालय एशियन पब्लिक स्कूल का उद्घाटन हुआ। विद्यालय के संचालक रमेश कुमार बैस ने बताया, इस क्षेत्र के बालक बालिकाओं को उत्कृष्ट कोटि की शिक्षा पाने के लिए गांव से दूर सिंगरौली अनपरा बैढ़न जाना पड़ता था, जिसे दूर करने में ये विद्यालय मदद करेगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराकर उन्हें सेवा का अवसर दें। विद्यालय जो है अपने क्षेत्र की एक अनोखी विद्यालय कहलाएगी और अंग्रेजी की जो भाषा है उसका जो महत्व है वो आज के दिन में लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राएं जो हैं उसे अछूते हो रहे हैं। उन छात्रों में अंग्रेजी की शिक्षा को बेहतर बनाना और साथ में सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्र में भी हमारी जो संस्था है एशियन पब्लिक स्कूल उसका एक अनोखा पहचान होगा। और हमारे जो संस्था के संचालक हैं श्री सामान्य श्री रमेश कुमार बैस जी और श्री राकेश कुमार बैस जी, आपका सहयोग हमेशा रहता है और जितने भी स्टाफ हैं वेल एजुकेटेड। और चलिए हम बात करते हैं इसी खबर पर, हमारे साथ बंचमणी द्विवेदी जुड़े हुए हैं सिंगरौली संवाददाता। बंचमणी, क्या है इस विद्यालय के कितने कक्षाएं हैं, कहां तक की कक्षाएं होंगी और जिन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी क्या वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम होंगे, वो तमाम जानकारी अभी दर्शक जानना चाहेंगे। जी, आपको बताना चाहूँगा, ये सिंगरौली जिले के बरवानी चौराहे पे एक विद्यालय संचालित हुई है। इसमें केजी 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों का एडमिशन दिया जाएगा और इसमें सभी शिक्षक जो हैं टैलेंट हैं, इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई होगी इस विद्यालय की और सारी सुविधा युक्त विद्यालय है। खेल का मैदान है जी, कुर्सी टेबल बैठने के लिए है और मतलब व्यायाम के लिए भी वो लोग एक अनुभवी शिक्षक रखने की बात कर रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंचमणि जी, जिस तरह से जानकारी मिली हमें कि काफी सुसज्जित किया गया है, क्लासरूम्स को तकनीकी रूप से समृद्ध किया गया है, खेल का मतलब क्रीड़ा का आंगन भी तैयार किया गया है, बच्चों को स्पोर्ट्स की भी जानकारी दी जाएगी और उसमें भी हिस्सा ले सकेंगे। और जिस तरह से संचालक की बात की जाए तो उन्होंने अपील की है कि अभिभावक निजी स्कूलों में ना भेजकर इस स्कूल को मौका दें, सरकार की तरफ से एक नई पहल जो देश भर में की जा रही है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।